हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इकोनॉमिक्स में हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। तो गाइज, जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों को बता दें गाइज, इससे पहले एक लेक्चर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने वो लेक्चर अभी कवर नहीं किया है तो आप सबसे पहले जो है उसे देख लें। और आज जो है लेक्चर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जीएसटी गाइस, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक भी पॉइंट आपके जो है इसमें छूटने वाले नहीं है। सभी पॉइंटों को हमारे इस लेक्चर में कवर किया गया है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी सर्वप्रथम जो लागू हुआ था गाइस, ये फ्रांस में हुआ था, 1954 में ये लागू हुआ था। हालांकि गाइज, अगर भारत की बात करें तो भारत में 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ था। और सबसे पहले जो है इसे लागू किया था असम ने, राज्यों में असम ने। और उत्तराखंड का जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पांचवां राज्य है। गाइज, जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा पर आधारित है भारत का, ठीक है ना। और याद रखिएगा गाइस, जो संविधान था जैसे स्रोत लिए गए थे ना, कुछ उसी तरीके का आप यहाँ पर इसे रिलेट कर सकते हैं कि जो भारत का जीएसटी मॉडल है ये कनाडा मॉडल पर है, ठीक है ना। और फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी वैसे लागू हुआ था, भारत में हुआ 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य था असम जहाँ पर ये लागू हुआ, और उत्तराखंड है पाँचवें नंबर पर। इसके अलावा गाइज, आगे बात करें तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय कलकर समिति द्वारा दिया गया, जिसका गठन 2003 में वाजपेयी सरकार में किया गया था, ठीक है ना। आगे है गाइज, जो जीएसटी है, जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं अमिताभ बच्चन। और आर्टिकल 279A के तहत है जीएसटी को लागू किया गया, ठीक है ना। पॉइंट इम्पोर्टेंट है गाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से आप देखिएगा। अच्छा, जो जीएसटी परिषद है ना, जीएसटी परिषद में कुल सीमित सदस्यों की संख्या है गाइस 33। और जीएसटी बिल 122वें संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ, और ये बना गाइस 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, तो 122 था। तो ये भी याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं गाइस, जीएसटी का पूरा नाम तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से होता है। ये जो जीएसटी है ये 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ गाइस। ये बिल, जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। जीएसटी के पक्ष में कुल वोट गाइस 336 वोट पड़े थे, और इसमें इसके विपक्ष में जीएसटी के विरोध में 11 वोटें पड़ी थी मात्र, ठीक है ना, 11। अब बात करते हैं गाइस, जीएसटी क्या है करके। आगे हम गाइस इसके बाद जो है ना, आगे जब भी आगे लेक्चर आएगा टैक्सेशन पर लेक्चर लेके आएंगे, जो कराघात है उस पर लेक्चर को लेके आएंगे। सो गाइस, जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर है और बहुस्तरीय है, गंतव्य आधारित है, ठीक है ना। जीएसटी में जो पंजीकरण संख्या है, डिजिट है गाइस, ये होती है 15। और जीएसटी अगर कोई चोरी करता है तो उसे 5 वर्ष की जो है सजा होती है, 5 वर्ष का कारावास होता है, ठीक है। इसके बाद गाइस आगे बात करते हैं, जो जीएसटी दरें हैं ये होती हैं 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का ये रेशियो रहता है गाइस। और ये डाटा को हम यहाँ पर कवर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 0% में दैनिक वस्तुएं रखी गई हैं गाइस, दूध, दही, फल, स्टेशनरी का सामान, नमक, आटा, अखबार, चिकन वगैरह, ठीक है। 5% में गाइस सूज, ट्रेन, बस, ढाबे, कोल्ड ड्रिंक, मसाले, दवाएं। 12% में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फैन, मोबाइल वगैरह। और 18 में AC, होटल, 3 स्टार, कैमरा आदि। और गाइस बात करें 28% में, तो पान, मसाला, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस, 5 स्टार होटल और ब्रांडेड जींस को 28% में रखा गया है। गाइस ये जो है ना, ये आगे पीछे होता रहता है, तो इसे आपको देखते रहना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, ये आपको देख लेना है। शराब पूरी तरीके से जो है गाइस जीएसटी से बाहर है। इसके अलावा जीएसटी से ये 2 चीज़ें भी बाहर हैं, इसमें है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को भी जीएसटी से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है।
और गाइज आगे बात करते हैं जीएसटी की। तो गाइज सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी, समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, ये पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, ठीक है ना, पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री थे। और जीएसटी जो होते ना, ये तीन प्रकार की जीएसटी हैं, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा गाइज अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा गाइज बहुत सारे एस्पिरेंट जो है हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं तो वो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संस्थान का नंबर है 7409571706। आप इस पर व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और आप नोट्स को आप घर पर भी मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे, और ऑनलाइन बैच से भी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की लास्ट उसमें कमेंट आए हैं तो आप लोगों को ये डिटेल्स दे दी गई हैं। इसके बाद गाइज बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। तो गाइज जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी का जो गठन है 279A के तहत किया गया, और 12 सितंबर 2016 को ही जीएसटी काउंसिल का गठन भी किया गया, और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख भी जो है आर्टिकल 279A में है। बात करते हैं गाइज आगे जीएसटी की संरचना की। तो इसमें भारत का वित्त मंत्री शामिल होता है, मुखिया वही होते हैं, राज्य कैबिनेट मंत्री और राज्य वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। आगे अगर गाइज बात करें जीएसटी से ही, तो जीएसटी में जो वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को जीएसटी का पंजीकरण और भुगतान करना होगा, ये है गाइज 20 लाख रुपये। अगर विशेष राज्य हैं तो यहाँ पर 10 लाख रुपये ये कैटेगरी रखी गई है। आगे बात करें गाइज राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितना वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगा, तो 5 वर्ष तक करने की बात हुई है। इसके अलावा गाइज 8% दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत है 19, ठीक है, और 28% वालों का है 19, हालांकि डाटा चेंज होते रहता है। और जीएसटी लागू करने पश्चात जीडीपी में जो अनुमान लगाया वृद्धि का, ये गाइज 2% लगाया है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज जो जीएसटी है, वर्तमान में 165 देशों में जीएसटी की व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहले फ्रांस में शुरुआत हुई थी 1954, न्यूजीलैंड में हुई थी गाइज 1986, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी 2000 में, और मलेशिया में हुई थी गाइज 2016 में, ठीक है ना। सो गाइज ये इम्पोर्टेंट लेक्चर था, टॉपिक था जीएसटी, और इस तरीके से हमने जीएसटी को यहाँ पर कवर कर लिया है गाइज इस लेक्चर में। और गाइज आपको एक चीज़ बता दें, लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए इसी तरीके से लेक्चरों को लेके आएंगे। और जो भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, हम पूरी तरीके से जो है कोशिश करेंगे कि उस पर आपके लिए लेक्चर लेके आएं। सो गाइज जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज़।